हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम, हमें आपसे जानना है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि क्या चेंजेस करने की बात की जा रही है और क्यों चेंजेस लाने की बात की जा रही है, और ये जो आप लोगों के सिलेबस में चेंजेस होंगे आपको कितनी परेशानी हो सकती है या आपके लिए कितनी परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 9320634901 एंड दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड स्टूडेंट, आई एम लाइफ टाइम मेम्बर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनालाइज साइंसेज एसोसिएशन and I'm UGC NET qualified and Jharkhand eligibility test also qualified and PhD from University of Jammu. Student, one more information for you, हमारे app Shipronomics पर Class Plus के द्वारा New Year का offer लगाया गया है। 13% off का coupon सारे ही courses पर है। तो अभी UGC NET का जो नया मैंने syllabus launch किया है, जो नया मैंने course launch किया है June 2024 के लिए, उसमें आप इस coupon को avail कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोर्सेज चल रही हैं और एसओ की कोर्सेज भी चल रही हैं। तो ये वैलिडिटी आपको, इसको कूपन की वैलिडिटी 31 जनवरी तक है। एंड आप सभी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो आप कोर्स तो लेंगे, आई नो दैट, बट टाइमली कूपन को अवेल कर सके। अदरवाइज आप लोग बाद में कॉल करते हो, मैम कूपन ख़त्म हो गया, तो इसको टाइमली परचेज कर लें। अच्छा, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो यूजीसी के साइट में ये बताया गया है कि द डिसीज़न हैज़ बिन टेकन। ये जो डिसीज़न लिया गया है कि पाठ्यक्रम को बदला जाएगा इन व्यू ऑफ द रीसेंट चेंजेस इन हायर एजुकेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बातें कही गई हैं जिसको नए पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात है। यूजीसी के चेयरमैन का कहना है कि द यूजीसी नेट सिलेबस विल बी इन अलाइनमेंट विद द मल्टी डिसिप्लिनरी क्यूरिकुलम। अब आपको जानना ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्यूरिकुलम होता क्या है। एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात की जा रही है, ये होता क्या है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट कि ये सभी पाठ्यक्रम को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस होता है। ये सभी पाठ्यक्रम को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस होता है। जैसे इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, आप पढ़ते हो ना एकीकरण। जब आप मैथ बनाते हो तो आप डेटास को इंटीग्रेट करते हो इंटीग्रेशन के चैप्टर में। इसी तरीके से कोई भी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, बहुत सारे। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स की ही बात कर लें, तो इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसके कई सारे जो पोर्शंस होते हैं वो आप जियोग्राफी में भी पढ़ते हो। कई सारे पोर्शंस होते हैं जो आपको किसी अन्य सब्जेक्ट, किसी अन्य कोर्सेज में भी दिख जाते हैं। ठीक है, तो एक ही टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे होते हैं उसको लॉ के सिलेबस में भी कुछ उसका पोर्शन डाला हुआ होता है, कुछ एमबीए के सब्जेक्ट में भी डाला होता है। तो यही होता है कि एक ही विषय को अधिक विषय के दृष्टिकोण से हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके कारण इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं कहा गया है कि सिलेबस चेंज किया जाएगा, मतलब कि आज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और कल माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर किस तरीके से काम चल रहा है, इट विल टेक टाइम। क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बात कही गई है, बहुत ही अच्छी बात कही गई है। अगर किसी एक चीज़ को, जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमी की बात आपको कही, पॉवर्टी, एक चैप्टर है पॉवर्टी या एक चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम इकोनॉमिक्स में अपने तरीके से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट अपने तरीके से पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट एक छोटे से चैप्टर को अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो हम सभी अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्सेज में इसको पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बात किया गया कि द डिसीजन हैज़ बिन टेकन इन व्यू ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड यूजीसी नेट सिलेबस विल बी इन अलाइनमेंट विद अ मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम एंड होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच। ठीक है, तो बहुविषयक दृष्टिकोण पाठ्यक्रम इसको कहा जाता है, बहुविषयक दृष्टिकोण पाठ्यक्रम, जिसको एकीकृत करने की ज़रूरत है और विविध दृष्टिकोण को ये उजागर करेगा कि किसी एक विषय
या किसी एक मुद्दे को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से उसको हम जान सकते हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहें। बहुत सारे कन्फ्यूज़न फैलाए जा रहे हैं कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हो मैम क्या माइक्रो हट जाएगा, मैम क्या पब्लिक फाइनेंस हट जाएगा, मैम क्या इंटरनेशनल में और भी ऐड होगा। नो, इस तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहिए। इस और सबसे पहली बात कि स्टूडेंट को सही बात की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये पता ही नहीं है कि करना क्या है और हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लाइटली लेना शुरू कर दें। कुछ से कुछ भी हो जाए, आपके UGC नेट के ये जो 10 टॉपिक्स हैं इसका बेस नहीं चेंज होगा। तो आप जून 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये जो बेस है माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस मैथमेटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यावरण अर्थशास्त्र आप पढ़ते हो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ये सभी इनका जो टॉपिक है ये चेंज नहीं होगा। इकोनॉमिक्स दोबारा तो मतलब इसमें और भी कुछ तो लिखा नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, है ना, लेकिन वो कुछ चीज़ें जो ऐड होंगी वो कितनी हो सकती हैं, है ना, बात यहाँ पर ये उठती है ना, जो कुछ चीज़ें जो ऐड होंगी वो कितनी हो सकती हैं। हमारा अभी का जो सिलेबस चल रहा है, स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस किया जाए तो हमारा अभी का जो सिलेबस चल रहा है मिनिमम 10% जोड़ा जा सकता है। ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि 50% सिलेबस चेंज कर दो, क्योंकि हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारा जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है, कितने स्टूडेंट हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इनजस्टिस तो नहीं होगा आप लोगों के साथ और होना भी नहीं चाहिए, नहीं ही होगा, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो चेंज नहीं होता है। तो बेसिक को पढ़ते रहिए, जो अभी सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए। माइक्रो में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा जाएगा, कितना अंतर हो जाता है। माइक्रो में आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, कल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बदल के प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो नहीं बन जाएगा, है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो उसको तो आपने पढ़ना ही है। तो अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है, किसी तरह के अफवाहों में नहीं पढ़ना है, किसी तरह की भ्रांति में नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने नोट्स को बनाते जाना है, चाहे आप जून के लिए तैयारी करें, चाहे आप आगे आने वाले दिसंबर के लिए तैयारी करें, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को एक बहुत ही क्लियर व्यू दे दिया है। एंड स्टूडेंट स्टे फोकस्ड, एंड मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी, स्टे फोकस्ड, एंड जैसा मैंने कहा है बेसिक विल नॉट बी चेंज, तो उसको पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को तैयार करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जून 2024। एंड स्टूडेंट जैसा मैंने बताया, जून 2024 के लिए मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, जिसका ये ब्लू वाला आइकन है, इस पर कोर्स पब्लिश कर दिया गया है, तो उसको आप वहाँ से ले सकते हैं, और 13% ऑफ का कूपन सभी कोर्सेज पर लगाया गया है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।